यार यहाँ पे आते ही मूड खराब हो जाता है। ये मैंने चिप्स अलग से निकाली। तो थैंक यू टू माय सिस्टर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। बहुत दिनों से यार व्लॉग नहीं किया था, सो आज मन कर रहा था व्लॉग करने का। और मेरा जो कंटिन्यूएशन था हर रोज शॉर्ट्स डालने का, तो वो मेरे एग्ज़ाम के चक्कर में छूट गया, कल का छूट गया। मेरी फ्रेंड माही ने बोला तुमने कल शॉर्ट्स नहीं डाला था ना। मैंने बोला शी नोटिस इट यार। तो उसकी सिस्टर नोटिस करती है कि मतलब मैंने शॉर्ट्स जो नहीं डाला 1 बजे। तो थैंक यू टू माही सिस्टर, लव यू। तो भाई अभी मैं सोच रही थी अब व्लॉग डालते हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं एग्ज़ाम दे के आज का आके लेटी हुई थी। काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, तो अभी तो थकान मिट चुकी है। मिट क्या चुकी है, अभी भी है, लेकिन मेरा मन ब्लॉक करने का कर दिया। तो अब हम चलते हैं और थोड़ा कुछ बनाते हैं, क्योंकि भूख लग रही है। तो हमेशा, लेकिन देखो भाई मैं खाना खा चुकी हूँ, मैंने खाना नहीं छोड़ा है। सुबह नाश्ता भी किया था, आज हमें फ्राइड इडली मिली थी, देन आज हमें दोपहर में भी चावल दाल रोटी सब्जी मिला, वो भी मैं खा चुकी हूँ। जैसा कि हॉस्टल का नाश्ता आप देखते ही रहते हो, खाना वगैरह। तो अब चलते हैं, कुछ बनाते हैं, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ मैं, तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। उठ जाते हैं अब चलते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं। और बहुत माला वाला सब ऊपर चला जाता है, फेस वॉश कर लेते हैं, फिर चलते हैं चिप्स छान लेते हैं। बहुत दिनों से चिप्स नहीं खाया है, और अब पढ़ते पढ़ते तो कुछ खाना पड़ेगा ही ना। तो चलते हैं चिप्स छान लेते हैं जल्दी से। तो चलिए फेस वॉश करते हैं, चिप्स छानते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ, चलिए। चलिए मैं धो के आती हूँ। ये देखो मैं आ गई अपना थोबड़ा धो के। अब देखो मेरी आंखें बिल्कुल साफ साफ। जो बचा, चलिए अब चलते हैं लिप बाम लगा लेते हैं। इससे पहले वेयर इज माई लिप बाम, कहाँ हो भाई? हाँ खो गया, खो गया, खो गया है जहां, मिल नहीं रहा लिप बाम। हाँ मिल गया, ये लिप बाम कम लिपस्टिक ज्यादा लगता है यार मेरे को, इतना कलर है इसमें। डन हो गया, अब चलते हैं। सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी कढ़ाई की, ऑयल की। और आपके वहाँ क्या बोलते हैं? हमारे वहाँ तो उसे पलटा बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझको नहीं पता। और मुझे इंग्लिश में भी नहीं पता यार, मैं भूल चुकी हूँ क्या बोलते हैं उसे। आप बताना मुझे क्या बोलते हैं। तो ये भी बताना कि आपके वहाँ क्या बोलते हैं उसे। चलिए चलते हैं बर्तन लेके अपने हॉस्टल के किचन में, जो कि किचन में कोई सामान नहीं एक्सेप्ट इंडक्शन। एंड आई आपको मैं दिखाती हूँ अपना छोटा सा किचन, जहाँ पर मेरे बर्तन रखे रहते हैं। ये रहा मेरी कढ़ाई, देन ये रहा, अब इसी को आप बताइएगा क्या बोलते हैं हमारे वहाँ। तो भाई इसे पलटा बोलते हैं, पलटा। अब आप बताना इसे क्या बोलते हैं आपके वहाँ। चलिए, और ये रहा मेरा छोटा सा फिर एक किचन, जहाँ से मुझे उठाना है ये ऑयल। ओके चलो चलते हैं यार इस प्लेट पे, क्योंकि मेरे पास कोई और प्लेट तो है नहीं। इस प्लेट पे थोड़ा सा टिश्यू भी छा लेते हैं, ताकि जो ऑयल वगैरह एक्सेस हो वो थोड़ा सोक हो जाए इस टिश्यू में। चलिए अब चलते हैं। ये मैंने चिप्स अलग से निकाल लिए हैं, दो टाइप्स के चिप्स हैं, एक ये साबुदाने का है और एक ट्राइंगल वाला मैदे का, या फिर जिसका भी होता है पता नहीं ये चीज़ है। ऑयल जो है यार वो पहले ही निकाल लेते हैं, ताकि वहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना पड़े। कितना ऑयल लगेगा? इज इट इनफ? थोड़ा सा और थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बच जाता है यार बहुत ज़्यादा। इसको रख देते,
चलिए चला जाए। यार यहाँ पे आते ही मूड खराब हो जाता है, इतना गंदा इंडक्शन रखा हुआ है, उसके ऊपर मक्खियाँ बिन 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 कर रहे हैं, पूरा टेबल पे गिरा हुआ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब हद मचा रखा है। ये देखो दिमाग का दही हो गया मेरे, पूरा गंदा हो रखा है। अब इसको साफ किया जाए पहले, यार एक काम बढ़ा देते हैं लोग। यार मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं इस टेबल को साफ ऑफ करने वाली तो हूँ नहीं, यार बहुत गंदा हो रखा है, मुझे एकदम घिन आ रही है, बहुत गंदा ये टेबल मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर तो बहुत सारी टेबल्स पड़ी हुई हैं लेकिन सब खराब हो चुकी हैं। इस टेबल पे मैं उठा के इंडक्शन को रख दे रही हूँ पहले, तो चलिए इसको ले कर चलते हैं। यहाँ पे टेबल को उठा के इसी पे रख देते हैं डायरेक्ट। यार छूने का भी मन नहीं करता, छी फो। यार इतना तो तेल बच गया, और तेल थोड़ा हमें लग रहा गरम भी नहीं था। और ये देख रहे हो स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा ही तेल गरम होगा, तो एकदम ये जल गया यार, और मुझसे चिप्स ना जले ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर ये लास्ट में फिर अच्छे अच्छे से उतारे मैंने, और ये तो जल ही गया स्टार्टिंग के कुछ। यार लेकिन जला हुआ चिप्स खा भी सकते हो, मैं मुझे तो ठीक लगता है बहुत, बस थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन ये वाले जो होते हैं ना ट्रायंगल वाले, ये मुझे ठीक लगते हैं खाने में, इसलिए मैं खा सकती हूँ उसे। कड़वा लग रहा है लेकिन कोई नहीं, हम सह लेंगे, क्योंकि हमने खुद ही बुझा है ना, अभी कोई और बुझा रहता तो हम उसे डांटते हैं। यार गाइस बॉटल में पानी खत्म हो गया है, अब चलेंगे, चलते हैं पानी भर के लेते आते हैं, लेकिन जितना भी है उतना पी लेते हैं ताकि थोड़ा सा पानी जाए शरीर में, फिर उसके बाद जाएंगे भरने के लिए। और यार पता है हॉस्टल का पानी सही नहीं आ रहा, हमारे ब्लॉक का जो वाटर कूलर है वो ख़राब पड़ा हुआ है, और जो बाहर का पानी है वो मुझे सही नहीं लग रहा है, बहुत नल का पानी लगता है यार। सही होगा, मैम ने कहा है कि सही होगा जल्दी। तो चलिए इसको भर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यो बेबी पानी तो आ रहा है, जल्दी से भर लो। सो गाइज अभी सारा काम हो चुका है, पानी भी भर के ला चुके हैं, अब हमारा परसों फिर से एग्जाम है तो हम चले पढ़ने के लिए। तो चलिए आप मेरे साथ थोड़ा देर पढ़िए, फिर तो आप जानते ही हो ट्रांजिशन, फिर कुछ और स्टार्ट। तो चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही सच बोलने दिया मैंने लग रहा है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। सो आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट अगले दिन कैसे पहुंच गई, तो आपको मैं बता दूं कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, मुझे थोड़ा सा सर्दी सर्दी फील हो रहा था, तो मैंने जल्दी से खाना खा के फिर मैं सो गई, मैं रात में पढ़ भी नहीं पाई थी, तो इस वजह से मैंने व्लॉगिंग भी नहीं की। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं अगला दिन दिखा दूंगी, तो मैं अभी नहा के जस्ट आ गई, अभी मेरी तबीयत एकदम फुल टू मस्त है एकदम बढ़िया से, तो फिर जल्दी से हम नाश्ता करने चलते हैं, थोड़ा सा टाइमिंग ही बचा है नाश्ते की टाइमिंग में, तो फिर चले चलते हैं, टाइम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। Let's go guys, सुबह सुबह भगवान जी को नमस्कार। अब चलते हैं अपने मेस की साइड, ये रहा हमारा न्यू ब्लॉक के अंदर ही मेस है। सो गाइज नाश्ता करके आ चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि कल एग्जाम है और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है यार, समझ भी कुछ नहीं आ रहा, ये सब्जेक्ट बहुत ही टफ है, जो कि है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल, फॉर है कि ऑफ है, ऑफ है कि फॉर है, और बिजनेस है, अब जो भी हो पता नहीं फॉर है कि ऑफ है, इनको मैं देख लेती हूँ इन पर क्या है। फॉर है भाई, फॉर है, तो देखो मुझे सब्जेक्ट का नाम भी नहीं याद है, अच्छे से याद तो है लेकिन ऑफ फॉर में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो चलिए पढ़ने बैठ जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि कल ही मेरा एग्ज़ाम है, तो कुछ नौटंकी नहीं करते हैं, चलिए आपसे मिलते हैं। यार लाइट चली गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लाइट चली गई ना तो मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग की भी लाइट चली गई, मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा, मैं तब से लेके एसी को रट्टे मार रही हूँ, रट्टा क्या मारूँ समझने की कोशिश कर रही हूँ यार, लेकिन दिमाग में जा ही नहीं रहा है मेरे, मैं क्या करूँ।
इसलिए मैं सोच रही हूँ कि लाइट आ जाएगी तभी पढ़ेंगे, अगर लाइट आएगी तो मेरे यहाँ का भी दिमाग खुल जाएगा, मतलब लाइट जल जाएगा। तो चलिए लाइट आने का इंतजार करते हैं, तब तक हम मोबाइल चला लेते हैं। यो लाइट आ गई, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, फिर से मेरे दिमाग की बत्ती खुल गई है। और मैं ये सोच रही हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा। लोग हम अच्छे से बैठ के बाय बोल देते हो, चलिए बाय गाइस, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत दिन बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ यार, तो थोड़ी कुछ मिस्टेक हुई होगी तो माफ़ करना। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँ व्लॉग में। चलिए टाटा।